गुड इवनिंग। तो अभी है ना बज चुके हैं, 4:45 बज चुके हैं। तो मैं आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ चाय से। तो आप भी आइए चाय पीने और मैं खा रही हूँ चाय बिस्किट। तो फिर क्या एनर्जी आज है ना, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अभी पहले थोड़ा सा ग्लूकोज मिलता है ना तो खा ले जाए तो अच्छा लगता है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोले की रेसिपी, जो काले चने की रेसिपी, छोले की नहीं काले चने की। तो इससे पहले की है फिर भी मैं आज करूँगी और आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो अभी टाइम है, अभी तो जस्ट 4:45 बजे है, तो मैंने सोचा कि चलो वही रोज का कि आपसे बात कर लूँ। तो अभी मैं आपसे बात कर लूँ, आ जाइए आप चाय पीने के लिए और मैं बिस्किट खा रही हूँ। आते तो नहीं फिर भी मेरा एक ये है, तो चाय बहुत अच्छी बढ़िया बनाई है और मेरे हस्बैंड ने बनाई है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी फिर मैं मिलूँगी बाद में, तो आ जाइए चाय पीने के लिए आप। तो हेलो एवरीवन, तो अभी मैं है ना फ्री हो गई हूँ और देखिए मैं कितनी थक गई हूँ और मैं कुछ तैयारी भी नहीं की हूँ। और तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, अभी मैं फ्री हो गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे चल रही है डिंकी कर, वो जो सामान ले आए ना ये मार्केट से ग्रोसरी वगैरह ले आए, तो वो अभी डिंकी चेक कर रही है क्या क्या लाई है, कुछ प्रॉब्लम ये तो नहीं। तो डिंकी यहाँ पे ये कर रही है, ये देखिए पूरा देख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, और मैं बैक कैमरा कर लेती हूँ। तो ये शाम का 7:30 बजे का ये हो गया था और ये सिद्धार्थ जी ले आए थे पूरे ग्रोसरी का सामान। देखिए डिंकी है ना, इन लोगों को सबर नहीं रहता है, तो ये पूरी फैला के देख रही कि उसकी पसंद की क्या क्या चीज़ आई है और उसने जो जो मंगाया था वो सब आया है कि नहीं आया है, तो वो सब देख रही है। और परी बैठी थी अपने पढ़ाई कर रही थी अपने पलंग पे बैठ के, बेड पे बैठ के। और ये डिंकी के शैम्पू है, वो जो डिंकी यूज़ करती है वो मेरे लिए दूसरे डव शैम्पू यूज़ करती हूँ वो मंगाई मैंने। तो ये देख रही कि उसके क्या क्या है, तो चेक कर रही थी। मुझे नहीं इतना ये क्योंकि मुझे बहुत आलस आता। और जो चावल की बोरी उधर फैली है, आज इस बार चावल थोड़ा चेंज आया है। तो मुझे तो अभी है ना मैं बनाने जा रही हूँ ये छोले, और ये बनाएंगे सिद्धार्थ जी बगा देंगे क्योंकि अभी मैं बाहर का काम बहुत थक चुकी हूँ। तो अभी बनाएंगे, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी इसके पहले कर दी हूँ तो फिर भी थोड़ी सी कर लेती हूँ शेयर कैसे बनाते हो। मैंने बनाई थी वो अलग थी और ये बनाए वो अलग है, तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे बनी है करके। तो ठीक है कैसे बनाते हैं, तो देखिए फिर सिद्धार्थ जी ने नहीं बगाना, वो मैं बोली मैं ही करती हूँ। तो ये देखिए तेल बहुत गर्म हो गया था, छोले उबाल दिए थे मैंने, काले चने, छोले नहीं काले चने बोलते उसको। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी, उस पर इसका छोक दे दिया है जीरा और राई का। उसके बाद में जो पेस्ट बनाया ना हिल रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत हिला रही थी, वो उधर सामान नहीं मिल रहे थे, मैंने पहले सामान जो मसाले वो लेके नहीं आई थी इसलिए, और मैं खुद से बना रही थी पकड़ के। तो ये देखिए मसाला डाल दिया है मैंने, और उसके बाद है ना इसके बाद पूरा इसको ब्राउन होने तक अच्छे से पका लूँगी। देखिए भाई और मसाला मैंने इसमें क्या क्या डाला मालूम है, गरम मसाला है, छोले और प्याज वगैरह बहुत सारे प्याज लगते हैं ना उसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो ये सब मिक्स है। और ये पेस्ट हो, ये देखिए ब्राउन हो गया, इसने तेल छोड़ दिया मसालों ने। उसके बाद में लाल मिर्च पाउडर, मैं लाल मिर्च पाउडर बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि ना डिंकी को भी छाले, मुझे भी आए नींद नहीं होती यार, इस चक्कर में बिल्कुल मेरा नींद का ख़राब हो गया। और ये देखिए पूरा मसाला, हल्दी, गरम मसाला और वो क्या बोलते हैं कसूरी मेथी, और जो जो मसाले हैं ना छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, पूरे मसाले मैं डालती हूँ, मैं हर सब्ज़ी में पूरे मसाले डालती हूँ और मसालों के बिना मज़ा नहीं आती। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो गया है, और अच्छे से इसको पका लूँगी। उसके बाद जो छोले चने डाले, चने ये काले चने हैं ना सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं ये बनाती हूँ। वो जो छोले रहते हैं मुझे ना थोड़े अजीब से लगते हैं इसलिए मैं वो बहुत कम अवॉइड करती हूँ, उसकी भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी और वो भी बनाऊँगी मैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया ना, वाह तेल छोड़ रहा है और पक गया ये, और बहुत खुशबू आ रही थी। डिंकी बोल रही थी कि ये इतना, और ये देखिए धनिया पाउडर भी जस्ट लाए ना ग्रोसरी से, तो वहाँ से वो निकाल के ख़त्म हो गया था, तो मैंने डिंकी ने तोड़ के दे दिया पैकेज काट के, तो मैं है ना वो उसी से अभी भरा नहीं हूँ, उसी में से उसमें डाल दी हूँ। और कसूरी मेथी से क्या है इसको अलग कलर आ जाता है, तो कसूरी मेथी आप हर सब्ज़ी में डाल सकते हो गाइस, मैं भी हर सब्ज़ी में डालती हूँ, मुझे ना कसूरी मेथी बहुत पसंद है। और हमारे ये देखिए कसूरी मेथी मैं है ना ऐसे पैकेट मंगा लेती हूँ तो बहुत दिन तक चलता है,
एक महीने के लिए। और बस ये देखिए मेरे यहाँ फैलावा कितना, वो किचन है तो फैलावा तो होता है, ऊपर से ये छोटा किचन है और ओपन किचन है तो ऊपर से ज़्यादा बहुत ख़राब होता है, तो मुझे बहुत केयर करना पड़ता है। और बहुत दिन हो गए अभी मैंने ना किचन 4-5-8 दिन हो गए नहीं साफ़ किए थे, मतलब साफ़ किए थे मतलब डिब्बे डिब्बे तो मैं मानती रहती हूँ लेकिन जो कागज़ वगैरह वो चेंज करती थी। इसके बाद मैंने डाल दिए इसमें टमाटर, और ये देखिए टमाटर गल गए हैं इसमें क्योंकि नमक डाला था तो इसमें गल जाते हैं, और ये सॉफ्ट टमाटर थे तो देसी टमाटर थे तो जल्दी गल गए हैं। और थोड़ा सा मैं इमली का वो नींबू का या इमली का रस डाल दी हूँ इसमें, तो ये देखिए कितना प्यारा। उसके बाद जो चने का पानी था वो नहीं मसाले का पानी था वो छोड़ दिया, उसके बाद चने का जो बचा पानी था वो भी छोड़ दिया। इसके बाद ये चने है ना, ये चने जो उबाले थे वो डाल दिए, उबालना नहीं चाहिए लेकिन मैंने उबाल दिए ताकि जल्दी जल्दी पक जाए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यार गाइस बहुत, कल मैं जो है ना इतना लेट हो गया था खाना खाने में, 10 बज चुके थे। तो ये देखिए ये हो गया। और एक बात है कि जो चने का पानी बचता है ना वो बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि वही सेहत के लिए उसका मतलब बनाता है। और इसके बाद मैं जो बचा हुआ पानी वो भी डाल दूंगी। और मैंने ना मसाले में ये थोड़ी देर पकने दिया उसके बाद पानी डाल दिया था, आपको स्पीड बढ़ा दी थी इसीलिए क्योंकि वो करना ज़रूरी रहता है। और मसाला क्योंकि वीडियो के चक्कर में सब्जी तो नहीं बिगाड़ दूँ ना मैं, तो मैं आराम से फिर बार बार क्लिप कर, आज की क्लिप है और रात की हो गई थी और ये आज की क्लिप है। तो मैं आरती कर रही हूँ यहाँ पे, सुबह उठते से नहा लिया था मैंने, नहा के आज मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करना था किसी मतलब और चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ और मैं आरती मंदिर में ना करके यहाँ कर रही हूँ, मैंने कान्हा जी का यही ला दिए थे तो सोचा मैं चलो आपके साथ आरती शेयर कर लूँ। तो ये देखिए मैं आरती शेयर कर रही, मैं कभी आरती तो करती नहीं हूँ दिन में, तो आज जल्दी सुबह ही नहा लिए थे मैंने, इस कारण मैंने ना आरती आपके साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पर मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आरती कर रही थी मैं आपके, और साड़ी पहनी थी, देखिए मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो गाइस मुझे ज़रूर बताना, मैं जल्दीबाजी में क्या ना मेकअप किया ना कुछ किया, बस साड़ी पहनी थी मैंने। हे गाइस, तो मैं है ना अभी ये दूसरे दिन है, कल मैंने जो बनाया था तो मैं आपको बाय करना भूल गई थी, तो एंडिंग करना भूल गई थी वीडियो का, तो मैं सोचा कि चलो आज आपके साथ, और मैं आज देखिए साड़ी पहनी हूँ। तो मैं ये अभी क्या है, ये मैं जो कंपनी ऑयल मंगाई ना वही कंपनी से मैंने ये हर्बल ये फेस वॉश और ये दो क्रीम और ये जेल मंगाई हूँ, ये जिनके जो एक्ने रहते हैं ना, जैसे एक्ने ऑयली स्किन है उनके लिए, और जिनके एक्ने और जो स्पॉट आते हैं ना तो उसके लिए मैंने ये मंगाई हूँ। तो मैं सोच रही आपको दिखा दूँ और इसके बाद है ना मैं इसका कैसे यूज़ करते हैं क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूँगी बाद में। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के साथ, और फिर मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।